हमारे मन्नारे भाई जगदीश जी ने एक घोषणा की थी आमलिया स्कूल में कि जो बच्चे टॉप करते हैं उन टॉपर बच्चों को हवाई जहाज से यात्रा करवाने की। इस घोषणा की जिम्मेदारी आज आप सब आदिवासी परिवार के सामने मैं लेता हूं, उन सभी बच्चों को हवाई जहाज से यात्रा मैं करवाऊंगा। आप सभी के सामने ये मैं शपथ लेता हूं। उसके बाद सबसे पहले मां प्रगति, भाई मन्नारे जगदीश पांडोर और हमारे पुरखों को नमन करता हूं जिनका रक्त हमारे रगों में दौड़ रहा है। आज इस विश्व आदिवासी दिवस के इस कार्यक्रम पर पधारे हुए इस बिल प्रदेश के तमाम कोने कोने से हमारे मेहमान और बिल प्रदेश के फलासिया ब्लॉक में जो हमारे साथी माताएं बहनें भाइयों और बहन जो पधारे हुए हैं उन सभी इस देश के मूल मालिकों को मैं दोनों हाथ जोड़कर जोहार अभिवादन करता हूं। आज इस विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम पर मैं आप सभी को पूरी टीम की ओर से हमारे मेहमानों को विश्व आदिवासी दिवस के जोहार शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। इसके बाद मैं अपनी बात रखना चाहूंगा सबसे पहले शिक्षा पर। जैसा कि इस कार्यक्रम की तैयारी के दौरान हम इस फलासिया ब्लॉक की लगभग सारी स्कूलों में गए थे, हमने उन स्कूलों की इतनी दुर्दशा देखी कि मैं आपको कुछ स्कूलों का डेटा भी अभी बताना चाहता हूं। इनमें सबसे पहले हमारी स्कूलें फलासिया ब्लॉक के अंतिम छोर पर अंबासा सीनियर सेकेंडरी स्कूल अंबासा, जहां पर 377 बच्चों का नामांकन है और स्टाफ है मात्र 3, एक पीईओ, दूसरा एमडीएम और तीसरा बीएलओ, बच्चों की पढ़ाई गई फार्म में। आखिर इसके जिम्मेदार कहां सोए हुए हैं? उनको नींद से जगाओ, ये जगाने का काम किसका है? ये जगाने का काम हमारा है। अगर ये नहीं जागते हैं तो आखिर इन नाकाम जिम्मेदारों के भरोसे हम अपने बच्चों का भविष्य खट्टे में नहीं डाल सकते। हमें अपने बच्चों के भविष्य के बारे में अपने स्तर पर भी सोचना होगा। हमें अपने स्तर पर कोई जो बेरोजगार हमारे साथी है गांव में कोई मौजूद है, अपने स्तर पर गांव में समाज में बैठक रखकर जो लगाने का उनको प्रतिनियुक्ति प्रदान करने का भी कार्य हम समाज को करना चाहिए। हम इनके नाकाम जो जिम्मेदार है इन जिम्मेदारों के भरोसे नहीं बैठ सकते। उसके बाद दूसरी स्कूल है अपने सीनियर सेकेंडरी स्कूल कवे, उसमें भी यही स्थिति। इसमें नामांकन में आपको बता दूं 225 बच्चे पढ़ रहे हैं वहां और मात्र 5 टीचर लगे हुए हैं और 3 तो आपको मैंने बताई दिए पीईओ बीएलओ और एमडीएम प्रभारी। 3 टीचर वैसे ही गए और 12 क्लासें भरोसे है सिर्फ 2 टीचरों के। तो आखिर इस शिक्षा व्यवस्था की इतनी दुर्दशा हमारे फलासिया ब्लॉक में ही क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल उठता है जनप्रतिनिधियों पर कि हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी दुर्दशा करने वाले आखिर नींद में है और उनको नींद से जगाने का काम हम समाज वाले भी नहीं कर रहे। हम समाज वाले हमारे से जितनी कोशिश होते हैं अपन सब करते हैं, लेकिन उनका जो फर्ज है उनसे वो बच कर रहते हैं। शिक्षा व्यवस्था की काफी दुर्दशा हो रखी है, मैं बात उसी की कर रहा हूं, स्टाफ की कमी की। स्टाफ की कमी होगी भी क्यों नहीं, आप देख लीजिए 5 वर्षों में 1 भर्ती होती है। अध्यापक भर्तियों को पंचवर्षीय योजना बनाकर रखा है इन लोगों ने। आखिर इस पंचवर्षीय योजना में मात्र 2-2, 3-3 टीचर्स जो है एक एक स्कूल में मिल पाते हैं। और आजकल जो हमारा आरक्षण है, आरक्षण आपको लगता है कि खत्म करने वाले हैं, आप सबको लगता होगा कि आरक्षण खत्म होने वाला है, लेकिन आरक्षण खत्म होने वाला नहीं है, वो अप्रत्यक्ष रूप से हमारा आरक्षण खत्म कर चुके हैं।
इसका प्रमाण है हमारे पास। अभी जो वरिष्ठ अध्यापक और लेक्चरर की भर्ती हुई थी उसमें अपने आदिवासी क्षेत्र से चयनित हुए बच्चों की संख्या, हमारे आदिवासी क्षेत्र से जो एसटी के बच्चे हैं उनमें गणित में सिलेक्शन होने वाले बच्चों की संख्या थी जीरो। कितनी? जीरो। और ये दुर्दशा इसलिए है क्योंकि सरकार ने नया नियम निकाला है कि 40% न्यूनतम उत्तीर्णांक बाध्यता, 40% न्यूनतम उत्तीर्णांक बाध्यता के कारण हमारे बच्चे, हमारे इस क्षेत्र के युवा सरकारी नौकरियों से वंचित रह रहे हैं। हम क्वालिटी एजुकेशन का विरोध नहीं करते, हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में भी क्वालिटी एजुकेशन हो, अच्छी शिक्षा मिले, लेकिन इस तरह से हमारे क्षेत्र में जीरो सिलेक्शन होने के बाद इस क्षेत्र में कोई अध्यापक ही नहीं मिलेगा, ना गणित का मिलेगा ना विज्ञान का मिलेगा, तो ये हमें क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा? सवाल है आप समाज वालों से, क्या इस तरह से ये हमें क्वालिटी एजुकेशन दिला रहे हैं? उसके बाद मैं दूसरी बात करना चाहूंगा विश्व आदिवासी दिवस के लिए अपने प्रशासन से हुए संघर्ष के बारे में। हमने इस कार्यक्रम से कई पहले अपनी पूरी टीम के साथ जो एसडीएम साहब है जाडोल, उनको एप्लीकेशन प्रदान कर दी गई थी। एप्लीकेशन प्रदान करने के बाद नींद में था प्रशासन, प्रशासन नींद में था, और कल जब यहाँ पर टेंट की सब व्यवस्था हो गई, यहाँ पर पूरी तैयारी हो चुकी थी, उसके बाद प्रशासन ये प्रेस नोट जारी करता है कि ओलंपिक के चलते आपको इस कुंडला ग्राउंड में कार्य करने की अनुमति नहीं मिलती। एक महीने तक प्रशासन को पता नहीं था यहाँ पर ओलंपिक हो रहे हैं, और दूसरी बात ओलंपिक यहाँ पर कल से ही समाप्त हो चुके थे, यहाँ पर कोई ओलंपिक नहीं था, परंतु कुछ राजनीतिक लोगों के चक्कर में, उनके दबाव में आकर हमारे जो अधिकारी गण हैं वो भी निष्पक्षता नहीं कर पा रहे थे। हमारे अधिकारी गण जो है उनसे मैं कहना चाहूंगा, आप एक आरएस अधिकारी लेवल का एग्जाम पास करके यहाँ क्वालिफाई होकर आते हैं, इतना बड़ा एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको इस देश दुनिया का पूरा नॉलेज होता है, तो इतना नॉलेज लेने के बाद आप इन 2% नेताओं के आगे क्यों झुकते हो? आप इन 2% नेताओं के आगे क्यों झुकते हो, ये मैं पूछना चाहता हूं। अगर आप ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं तो हमारा पूरा आदिवासी समाज ही नहीं, पूरा सर्व समाज ईमानदारी के साथ खड़ा रहेगा, आपको आज तक नहीं आने देगा, परंतु आप निष्पक्षता के साथ न्याय नहीं करते हैं। कल भी हमारे को एसडीएम साहब ने कहा कि मैं आपको यहाँ कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं देता हूं, आप यहाँ कार्यक्रम नहीं कर सकते। हमारी टीम ने उनसे वार्ता की और उनसे बोला कि यहाँ पर आप कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं करते हो, हम तब भी कार्य यहाँ करेंगे, हम तब भी कार्यक्रम यहाँ करेंगे, और 10 तारीख की सुबह हम सब आपके थाने में उपस्थित हो जाएंगे और खुद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा देंगे कि हम आदिवासी लोगों ने इस आदिवासी क्षेत्र में विश्व आदिवासी दिवस मनाने का जुर्म किया है, इस जुर्म के खिलाफ हमें अरेस्ट कर लो। उसके साथ ही जैसे तैसे हमने वार्ता की और प्रशासन ने हमारे आगे घुटने टेके और हमारे को अनुमति मिली। अनुमति मिलने के बाद शाम का समय था, हमारे जो कुछ साथी है टीम के वो अपनी करेल में एक बोर्ड की स्थापना कर रहे थे, वीर कालीबाई जो हमारी मौजूद है तो उनके बोर्ड की स्थापना कर रहे थे, तो उस दौरान प्रशासन जाता है वहां और उनसे पूछता है कि आपको अनुमति किसने दी, अगर यहाँ कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। मैं पूछना चाहूंगा उस
बोर्ड की स्थापना जहां की है उससे 100 मीटर आगे एक रेड रेड बोर्ड पर लिखा हुआ है यहां पर अंग्रेजी शराब मिलती है, उसकी परमिशन किसने दी फिर? उसकी परमिशन किसने दी इनको? ये होते कौन है परमिशन देने वाले? अपना गांव अपना बोर्ड। पहली बात तो उनसे ये पूछना चाहिए थी हमारे साथियों को कि आप हमारे गांव में किसकी अनुमति से घुसे थे? क्या हमारे गांव के मुखिया से आपने इस गांव में घुसने की अनुमति ली? अगर नहीं तो आप वापस मुड़िए, आपका यहां कोई काम नहीं है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे फलासिया के जो अधिकारी गण है, जो प्रशासन है, उससे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आगे से आप ऐसे मामलों में अपनी दखल अंदाजी ना करें। हमारा जो आदिवासी परिवार है, हमारा समाज आपकी इज्जत करता है, सिर्फ आप ही की नहीं समस्त अधिकारियों की इज्जत करता है, क्योंकि अधिकारी गण अपने साथ पूरी देश दुनिया का नॉलेज लेकर घूमते हैं। तो आगे से प्रशासन से यही कहना चाहूंगा, आप आगे से हमेशा ये बात ध्यान में रखें कि ऐसे छोटे मोटे मामलों में दखल अंदाजी ना करें। आपके कार्य क्षेत्र का जो दायरा है उस दायरे में रहकर बात करें और उस दायरे में रहकर अपना कार्य करें, बाकी दूसरी बातों में दूसरे क्षेत्र में आपको दखल अंदाजी की कोई जरूरत नहीं है। और ये जो 2% के नेता है और इनके दलाल है, इनके आगे आपको झुकने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ भी होता है तो उसके लिए हमारा आदिवासी समाज आपके साथ खड़ा है। शासन प्रशासन की बात हो गई, उसके बाद मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे मन्नारे भाई जगदीश जी ने एक घोषणा की थी आमलिया स्कूल में कि जो बच्चे टॉप करते हैं उन टॉपर बच्चों को हवाई जहाज से यात्रा करवाने की। इस घोषणा की जिम्मेदारी आज आप सब आदिवासी परिवार के सामने मैं लेता हूं, उन सभी बच्चों को हवाई जहाज से यात्रा मैं करवाऊंगा। आप सभी के सामने ये मैं शपथ लेता हूं। उसके बाद मैं कहना चाहूंगा, बात सिर्फ शिक्षा की हुई, स्वास्थ्य की कहां गई? स्वास्थ्य के मामले में हमारे जो सीएचसी पीएचसी है उनकी क्या दुर्दशा हो रही है? हमारा सोम सीएचसी है, पानरवा सीएचसी है, इन जगहों पर क्या कभी कोई जनप्रतिनिधि गण गया और कभी पूछा कि यहां पर कितना स्टाफ है, क्या कमी है? कभी किसी ने नहीं पूछा। आखिर उनको क्या हमारे समाज से कोई मतलब नहीं है, इस क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है? और जो एक बात आखिरी रह गई थी कि जो अपने फलासिया के धरावण ग्राम पंचायत की उमरिया उच्च प्राथमिक स्कूल है, वहां पर उस स्कूल में 1 से 8 तक कक्षाएं हैं, टोटल कितनी कक्षाएं हैं? 8। उन 8 कक्षाओं को एक साथ सिर्फ एक कमरे में पढ़ाया जाता है। उन 8 कक्षाओं को एक कमरे में और बाहर बरामदे में बैठकर पढ़ाया जाता है, जिसका प्लस्तर इतना जर्जर हो गई है भवन कि बच्चों पर पहले भी गिर चुका है। इसके लिए अपने आदिवासी परिवार की टीम ने कई बार ज्ञापन सौंपे और बहुत कोशिश की अधिकारियों से मिलने की, लेकिन अधिकारियों द्वारा बताया गया कि हमारे पास इसके लिए कोई बजट नहीं। आपके पास कोई बजट नहीं है तो कल को हमारे बच्चों के साथ अगर अनहोनी होती है तो इसकी जिम्मेदारी शासन की रहेगी या प्रशासन की रहेगी, यह बात मैं पूछना चाहता हूं। इसके साथ आज यहां पधारे हुए इस बिल प्रदेश के तमाम गणवीर और गणवीरांगनाओं को मेरी बात इतने ध्यान से सुनने के लिए मैं बहुत बहुत जोहार आभार व्यक्त करता हूं, और अपने अन्य वक्ता भी बहुत होने के कारण अपनी बात को शॉर्ट में निपटाना चाहता हूं, इसीलिए आप सभी से विदा लेता हूं। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश।